हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको टॉक में बताया था सब स्ट्रिंग के बारे में और नॉन नल सब स्ट्रिंग, प्रॉपर सब स्ट्रिंग। तो आज हम उसी को थोड़ा न्यूमेरिकल अप्रोच से सॉल्व करेंगे। देखिए, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने लिया एस, ठीक। अगर मैंने एस नाम की स्ट्रिंग ली, अब इससे मैं बनाता हूँ कि डिफरेंट लेंथ की अपन पहले फॉर्म करते हैं, तो इससे निकलेगा कि कितनी हाउ मेनी स्ट्रिंग, कितनी स्ट्रिंग बनेगी, कितनी सब स्ट्रिंग उसकी बनेंगी डिफरेंट लेंथ की। देखिए, अगर मैं जीरो लेंथ की बात करूं, अगर एल इक्वल टू जीरो लेंथ की बात करूं, तो इसमें बनेगा एप्सिलॉन, मतलब एक स्ट्रिंग बनी जीरो लेंथ की। इसमें कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग, एक सिंगल स्ट्रिंग पॉसिबल है। अगर मैं एल इक्वल टू वन लेंथ लिया, एल इक्वल टू वन लेंथ लिया, तो इसमें कितनी स्ट्रिंग बनेगी, ए सी ई, ओके मतलब कितनी स्ट्रिंग बनी, थ्री स्ट्रिंग बनी। अगर मैं एल इक्वल टू टू लेता हूं, मतलब दो लेंथ की स्ट्रिंग लूंगा, तो कितनी बनेगी, ए सी कॉमा सी ई, कि कितना हो गया आपका, टू हो गया। अगर मैं तीन लेंथ का लेता हूं, एल इक्वल टू थ्री, तो एल इक्वल टू थ्री में आप कितनी बनेगी, ए सी ई, मतलब सिंगल लेंथ की बनेगी। तो ये टोटल कितना हुआ आपका, थ्री और वन फोर, फोर और टू सिक्स, सेवन बना। अभी अपन इसी से फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ये जो मैंने तरीका निकालने का दिखाया, यहां पे डिस्टिंक है, ये स्ट्रिंग में कोई भी अल्फाबेट रिपीटेड नहीं है, डिस्टिंक सिंबल से मिलके बनी हुई है। तो कितने आपके बन रहे हैं टोटल सब स्ट्रिंग काउंट हो रहा सेवन। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे गेट नाम की स्ट्रिंग लेता हूं, अब इसमें देखते हैं कितने टाइप की बनेगी। तो सबसे पहले फिर वही एल लेंथ जीरो के लिए देखते हैं, एल लेंथ जीरो में कितना बनेगा एप्सिलॉन। एल इक्वल टू वन के लिए देखेंगे तो जी ए सिंगल टी एंड सिंगल ई बनेगा। अगर मैं एल इक्वल टू टू लेंथ की लूंगा, मतलब ये एक बना, ये दो बना आपका, और सॉरी चार बना, फोर। अब अपन दो दो लेंथ की बनाते हैं, तो जी ए कॉमा ए टी कॉमा टी ई, ये कितने बनेगा आपका, थ्री बनेगा। अगर मैं तीन लेंथ की बनाता हूं, तो जी ए टी ए टी ई, ये तीन लेंथ की बनी। अगर मैं फोर लेंथ में लेता हूं, तो जी ए टी ई, तो ये कितना बने आपके, दो, और ये कितना बना, वन। टोटल कितना हो गया, वन वन फोर वन फाइव, फाइव फोर थ्री एट, एट और टू टेन, एलेवन बना। टोटल कितना बना, एलेवन बना। अब इसी टॉपिक पे अपन एक नोट लिखेंगे और उसी नोट पे अपन सारे जितने भी अपन फॉर्मूले, जितने भी अपन पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में अपन ने स्ट्रिंग पढ़ी थी, नॉन नल सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, प्रॉपर सब स्ट्रिंग, उनके सबके फॉर्मूले मतलब nth टर्म में डिराइव करेंगे, nth टर्म में। अब नोट अपन इसमें एक नोट पढ़ेंगे, लेट रियल नोट या क्वेश्चन आप बोले, लेट W इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n, लेट W इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n विद डिस्टिंग सिंबल। इसमें कितने डिस्टिंग सिंबल, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल लिया था आपका, गेट नाम का एग्जांपल लिया था, ठीक, गेट नाम का एग्जांपल लिया था हम लोगों ने। अगर मैंने गेट नाम का छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, गेट के बजाय मैं एस नाम के एग्जांपल की एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे एस नाम का जो एग्जांपल है, इसकी लेंथ कितनी है, यहां पे लेंथ कितनी है, एन लेंथ, मतलब यहां पे एन की वैल्यू कितनी है, थ्री लेंथ है। वो भी कौन सा सिंबल है, डिस्टिंग सिंबल है, ये कौन सिंबल है, डिस्टिंग, सारे डिफरेंट, ध्यान रखिएगा, डिस्टिंग सिंबल के फॉर्मूला अलग रहेगा और जो सिंबल रिपीटेड सेम सिंबल रहेगा, सेम सिंबल का फॉर्मूला अलग बनेगा। डिस्टिंग सिंबल का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था एल इक्वल टू जीरो, जीरो लेंथ का आपका एप्सिलॉन बनेगा, एल इक्वल टू वन, वन लेंथ का आपका ए कॉमा सी कॉमा ई बनेगा। इसकी कितनी टोटल, जीरो लेंथ कितनी है टोटल स्ट्रिंग, आपके पास वन है, वन लेंथ की टोटल स्ट्रिंग कितनी है, थ्री है। एल इक्वल टू टू करते हैं, अगर दो लेंथ पे बोलेंगे तो ए सी सी ई, ये कितना होना टोटल, टू बना। और अगर लेंथ थ्री की बात करूं, कितना बनेगा टोटल आपका, ए सी ई बनेगा, ये कितना बनेगा, वन। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला डिराइव करूं, तो आपको दूर से दिख रहा होगा, एक्चुअल में ये फॉर्मूला बनता है सिग्मा थ्री की वैल्यू है, सिग्मा थ्री प्लस वन कर देते हैं। सिग्मा थ्री कैसे, वन टू थ्री, मतलब इस सभी का समेशन कर देते हैं, जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री,
एक तरह से बोला जाए तो सीरीज फॉर्म हो गई, सीरीज अगर इस सीरीज को मतलब एन सीरीज फॉर्म हो गई, अगर इसको अगर एनथ टर्म में लिखा जाए तो ये हो जाएगा सिग्मा एन प्लस वन। कैसे? जीरो लेंथ की एक बन रही है, वन लेंथ की थ्री बन रही है, टू लेंथ की टू बन रही है, थ्री लेंथ की वन बन रही है। तो इस सबका समेशन करें कि कितनी टोटल नंबर आप पूछा है, टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी फॉर्म होगी, तो टोटल समेशन ही बनेगा समेशन। तो इस वाले केस पे समेशन थ्री। समेशन थ्री मतलब होता है कि अपन सम करते हैं सीरीज का सम। अब ये समेशन थ्री, समेशन एन, अगर इसका फॉर्मूला डिराइव करें तो फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। ठीक, इसकी वैल्यू है सिग्मा एन की वैल्यू है, सिग्मा एन की वैल्यू कितनी है, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, और ये प्लस वन। प्लस वन क्यों? क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू कितनी हुई, वन प्लस टू। अगर इसकी वैल्यू को पॉइंट करूं तो वन टू थ्री, टोटल ये होता है सिक्स। अपने पास टोटल स्ट्रिंग कितनी आई है, यहाँ पे सेवन आई है। अगर अपन गेट वाले, जो गेट वाले स्ट्रिंग है, अगर उसमें अपन कैलकुलेट करें तो वहां पे आंसर आपका आ रहा था 12 के आसपास। तो अपन अगर कैलकुलेट करें, अगर यहाँ 4 कर देते हैं तो 3 टू 5, 5 इज 6, 11 आ रहा था करीब, 11 के आसपास। तो 3 टू 5, इसलिए इसमें जिसे अब निकाल लीजिए गेट करके, अगर गेट नाम की स्ट्रिंग लेते हैं तो इसमें जीरो लेंथ की बनेगी आपकी एप्सिलॉन, वन लेंथ की जी ए टी और ई बनेगा, दो लेंथ की बनेगी एल इक्वल टू टू लेंथ की बनेगी, L इक्वल टू टू लेंथ की बनेगी आपकी जी ए टी ई, एंड L इक्वल टू थ्री लेंथ की बनेगी जी ए टी एंड ए टी ई, और सॉरी जी ए के बाद इसमें एक ए टी भी बनेगा, ए टी एंड टी ई तीन बनेगी। L इक्वल टू फोर का बनाएंगे तो जी ए टी ई ही होता है। तो अगर इसकी काउंटिंग करें कि जीरो लेंथ की कितनी बनी, जीरो लेंथ की बनी आपकी वन, वन लेंथ की कितनी बनी फोर, टू लेंथ कितनी बनी थ्री, और थ्री लेंथ कितनी बनी टू, एंड फोर लेंथ कितनी बनी वन। तो टोटल अगर इसका सिग्मा समेशन करें, सिग्मा करें तो फोर वन फाइव, फाइव थ्री एट, एट थ्री इलेवन आता है। कितनी इसकी वैल्यू कितनी आई, इलेवन आई। अगर मैं इसका समेशन मतलब सीरीज बना के लिखूं तो ये कैसे बनेगा, इसको मैं लिखूंगा सिग्मा फोर प्लस वन, समेशन फोर की वैल्यू ऑलरेडी कितनी होगी, वन टू थ्री फोर, मतलब फोर थ्री सेवन, सेवन टू नाइन एंड टेन प्लस जीरो टेन, टेन प्लस वन। इसलिए हर बार फॉर्मूला सिग्मा फोर प्लस वन, अगर फाइव लेंथ की होगी तो सिग्मा फाइव प्लस वन, अगर एन लेंथ की होगी तो सिग्मा एन प्लस वन रहेगा, रिमेंबर रखना है सिग्मा एन प्लस वन। अब अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी बनी, टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग ये मेन फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग बनी मेरी सिग्मा एन प्लस वन, सिग्मा हुई एन प्लस वन। अगर आपने एक फॉर्मूला निकाल लिया तो ये बाकी सब बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं। कैसे निकाले जाएंगे देखिए, टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी बनी मेरी सिग्मा एन या समेशन ऑफ एन प्लस वन, इसकी जो वैल्यू होती है सीरीज में, इसकी वैल्यू होती है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। यहां पे एन क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है एन, ठीक है, प्लस वन। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एक ही है। तो अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग की तो सिग्मा एन प्लस वन बना, सिग्मा एन प्लस वन, या और ये इसी का एक्सपेंडेड वर्जन, और एन इंटू एन प्लस वन बाय टू प्लस वन। अब मैं बात करूं नंबर ऑफ ट्रीवियल सब स्ट्रिंग, तो नंबर ऑफ ट्रीवियल सब स्ट्रिंग सिर्फ दो ही होती हैं आपके पास, हमेशा सभी जितनी भी सब स्ट्रिंग निकालेंगे, अगर नंबर ऑफ ट्रीवियल सब स्ट्रिंग की बात की जाए तो ऑलवेज टू ही मिलेगी, चाहे वो कितनी लेंथ की, कौन सी मिलेगी, एप्सिलॉन और एक फुल लेंथ वाली, एप्सिलॉन मतलब एक जीरो लेंथ की और एक फुल लेंथ की कहलाएगी। तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी रहेगी, टू, एन के टर्म्स में इसकी जरूरत ही नहीं। अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग, नॉन एम्प्टी मतलब होता है कि आपका एप्सिलॉन रहे नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, ठीक, नॉन एम्प्टी, नॉन नल, या नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग मतलब मुझे एक कम करना है, जो मेरी ये लेंथ है, ये मेरी लेंथ जितनी थी, एक कम आएगा। क्यों कम आएगा, एप्सिलॉन हट जाएगा, एप्सिलॉन हट जाएगा, अगर नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग एप्सिलॉन हट जाएगा, एप्सिलॉन मतलब यहां पे एप्सिलॉन काउंट कंक्लूड कर रहे थे कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी थी, वन, अपन उसको माइनस कर दें, मतलब सिग्मा एन माइनस वन कर दें अपन फॉर्मूले में अपने, मतलब एक इसमें से माइनस कर दें सिग्मा एन में, तो आपका अपने आप जो फॉर्मूला बनेगा, मतलब एक स्ट्रिंग कम आनी चाहिए, अभी अपन प्लस वन कर रहे थे, यहां पे माइनस वन करना है हमें,
ठीक, या ऐसे माइनस वन करना, सिग्मा एन प्लस वन सब स्ट्रिंग थी, टोटल नंबर ऑफ टोटल सब नंबर टोटल कितनी थी, सब स्ट्रिंग थी, इसमें माइनस वन कर दीजिए। ठीक, इसी तरह अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ प्रॉपर सब स्ट्रिंग, नंबर ऑफ प्रॉपर सब स्ट्रिंग, नंबर ऑफ प्रॉपर सब स्ट्रिंग क्या करते हैं, फुल लेंथ वाला हटा देते हैं, फुल लेंथ वाला हटा देते हैं, तो उसमें भी सिग्मा एन प्लस वन माइनस वन, ये टोटल अपने पास नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स हैं, टोटल नंबर सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग है, टोटल सब नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग में क्या हटाते हैं, फुल लेंथ वाली वैल्यू हटाते हैं, फुल लेंथ वाली स्ट्रिंग हटाते हैं, तो माइनस वन। अगर मैं बाद में फिफ्थ नंबर में बात करूं, नंबर ऑफ नॉन नल एंड प्रॉपर सब स्ट्रिंग, यहां हम दो स्ट्रिंग हटाते हैं, नल स्ट्रिंग हटाते हैं एंड फुल लेंथ वाली स्ट्रिंग हटाते हैं, इसी को नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो इसका जो फार्मूला बनेगा सिग्मा एन प्लस वन माइनस टू बनेगा, मतलब हमें एक फार्मूला डिराइव कर लिया सब स्ट्रिंग का, हमारे सारे फार्मूला डिराइव हो गए।